press the bell icon for all the updates. जो आपने और हमने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी रात में वो किसी को दिखाना जरूरी है, वरना वो कांति भाई को कैसे समझाएंगे। हमें इसी बात का डर था भाई, कहीं क्या करेंगे हम। पापा की दुखती रग है क्रिकेट, मुझे पता था क्रिकेट का नाम सुनते ही पापा आप लोग को एक और चांस देंगे। आप सबके पास अब 4 बजे तक का टाइम है, ये इवेंट कर लीजिए और कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। माही का कुछ और टेक है लाइफ में अभी। माही इज़ फॉलिंग फॉर आदित्य, तो वो चाहती है कि वो आदित्य के इर्द गिर्द रहे, और आदित्य अभी कंपनी में फोकस कर रहे हैं, पूरा एनर्जी टाइम कंपनी पे डाल रहे हैं, तो इसलिए माही भी उस तरफ ही इंक्लाइंड है। अगर जोया की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नजर आ रही है, और प्लस एक प्रोजेक्ट भी है जिसे लेकर वो काफ़ी टेंशन में दिखाई दे रही है। एक्चुअली जोया को पता चल गया है कि यश ने डिवोर्स पेपर साइन किए थे, तो वो डिप्रेशन में है अभी, तो वो भी बुझी हुई है, अंदर से कुछ नहीं है, प्लस लोन है कंपनी के ऊपर, तो वो कंपनी को भी बचाना चाहती है, तो सारी चीज़ें एक साथ आ गई है, तो वो डील कर रही है अपने हिसाब से, और वो चाहती है कि कंपनी बच जाए। तो एक इवेंट आया है जिसको जोश इवेंट्स हैंडल करेगी, और जोया इज पुटिंग ऑल हर एनर्जी इनटू दैट इवेंट राइट नाउ। तो क्या लगता है किस तरह से आदित्य उनकी हेल्प करने वाले हैं, और किस तरह से आप लोग सब मिलकर इस प्रॉब्लम को टैकल करने वाले हैं? आदित्य इज हेल्पिंग इन अ वे, लेकिन उनमें जो बीच में तशन होती रहती है छोटी छोटी, तो वो अपना थोड़ा एटीट्यूड में आ जाता है, एंड देन इट्स अ वेरी क्यूट केमिस्ट्री बिटवीन देम, दैट नोक जोक एंड देन हाउ यू नो थिंग्स वर्क आउट, एंड देन एक्चुअली ही थिंग्स गुड फॉर द कंपनी एंड फॉर हर, तो हाउ ही हेल्प्स एंड हाउ शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि नहीं चलो हेल्प, कुछ ना कुछ हेल्प तो हो रही है। सो यही सब मसाला और यही सब खिचड़ी चल रही है फिलहाल। लास्ट खाली ये जानना चाहेंगे, मतलब कहानी में आने वाले टाइम में हमें लव ट्रायंगल देखने को मिल सकता है? हाँ, वो मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, बिकॉज माही तो हैज़ फॉलन फॉर हिम और इज स्लोली फॉलिंग फॉर हिम, आगे जाके हो सकता है, ये भी हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू। हमें क्रिकेट का सी तक नहीं आती, we need all these help, उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे सर।